मेरी घर किला सोहर के अंदर मैं बेटी हूँ पिता टोहर सिंह को, भैया को नाम झगड़ू का रहा है, मेरी नाम मेरी माँ ने रखी गौरा, किला सोहर के अंदर मेरी नाम गौरा। हाँ तो श्रीमान एक समय की बात है, जिस समय पांच फल भतिया को कारण किला सोहर के अंदर तकरार को माचा, मचते समय बड़े प्यार से बड़े आदर को साथ भैया झगड़ू जामन लेकर के गया चाचा और कहने लगे, चाचा जी आप को कुछ नहीं मालूम है किला सोहरी। चाचा मेरे कहने लगे, आखिर बात क्या है झगड़ू सिंह? झगड़ू ने बोला, चाचा आज मेरे किला सोहर के अंदर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा है, मैं आपको सामने दामन लेकर के आया हूं, आप इस पूजा के निमंत्रण में चलिए। चाचा सुझिया राधा सोहरी वाले मन में कुछ नहीं सोचे थे और सीधी तरह चल दिए झगड़ू सिंह को बंगले के ऊपर। जाते समय भोजन कराया, करा करके झगड़ू और कागा बोलने लगा, चाचा जी मेरा हाथ का सेल कैसा है थोड़ा जांच दीजिए। आपको जांचा हुआ सेल इस दुनिया में वज्र अम्र रहेगा। जब सेल चाचा जासर किला सोहर के अंदर जाने लगे, जाचते समैया कतल कई देला पै कारा जा रे जालिम झगड़ू, मैं किला सोहरी के अंदर ऐसी कलमहीन जन्म ली हूं कि मेरी जन्म होते मेरी मां मर गई, मेरे पिताजी स्वर्गवास को चले गए। हाय भगवान, धन की चाचा दास थे किला सोहर के अंदर झगड़ू को भैया गई। जब पानी भरकर उधर से लौटी पकवाई नाव से तो जेल खाने से आवाज आ रहा, बबू आल्हा को आ रहा था, चाची दीवड़ा की आ रही थी, जेल खाने में पानी पानी पानी, मेरी चाची जेल खाने से पानी रोक रही थी, बबू आल्हा जेल खाने से पानी रख रहा था।
करने वाली हो। इस रात के समय में कहीं से तुम डगरी ले आए। मैं बोली चाची मैं डगरी कहां से लाऊं? चल मेरी चाची आज मेरा सोरी के अंदर इस रात के समय में तेरी सोरी घर मैं कमा। Thank you.
अपनी हुक्कीलाश पर लौरिन की तरह जो हरी गंजनी करती है वही करती। जहां बैठल सोगानी भौजी हमर महला में सुहारी Thank you.
सकती हूँ ए भगवान, आज ननद से न तुर आप परेशान मत हो और आती ही होगी।